हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z7S एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्मार्ट म्यूट सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्मार्ट म्यूट सेटिंग जो है कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन, स्मार्ट मोशन पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट कॉलिंग, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है स्मार्ट म्यूट। स्मार्ट म्यूट के सामने एक बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा। अब ये स्मार्ट म्यूट सेटिंग जो है ऑन होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन पर कभी भी इनकमिंग कॉल आता है ना, इनकमिंग कॉल आता है तो आपके फ़ोन से रिंग टोन की आवाज़ आती है, ठीक है। आपको करना क्या है, जब भी इनकमिंग कॉल आएगा तो अपने फ़ोन को ना अपने हाथ से ऐसे कवर करना है, अच्छे से इस तरीके से कवर करना है। ऊपर का हिस्सा तो लगभग कवर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, पूरा। तो अपने फोन को इस तरीके से कवर करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो फोन है ना, जो इनकमिंग कॉल आया है वो साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, उसी वक्त साइलेंट हो जाएगा। ध्यान रखिए कि अपने हाथ को अपने फोन से टच नहीं करना, आपके हाथ और आपके फोन के बीच में जो गैप होना चाहिए, ठीक है, वो आपकी 1 इंच आधे इंच का गैप होना चाहिए, ठीक है। टच नहीं करना है फोन को इस तरीके से, सिर्फ कवर करना है, ढकना है अपने फोन को अपने हाथ से, तो इससे आपका फोन ना उसी वक्त साइलेंट हो जाएगा। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके फोन में। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके फोन में। इसके लिए मोबाइल फोन का आपको सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है स्मार्ट म्यूट, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये स्मार्ट म्यूट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।